चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. एक एक करके स्टॉक लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा पहला स्टॉक था विप्रो, क्लियर? विप्रो भरोसा थी। अब मुझे सबसे पहले विप्रो को यूडीटीएस के ऊपर चेक करना है कि विप्रो मंथली, वीकली और डेली के ऊपर बुलिश है कि नहीं। मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट है हमारा, ये हमारे बुलिश ट्रेड थे या सेलिंग ट्रेड थे? बियर ट्रेड। आप लोग देख रहे हो ये मंथली चार्ट है और ग्रीन के नीचे रेड आई हुई है, तो इसका मतलब मंथली में ये सेल है। वीक देखिए सर, वीक क्या कह रहा है, ये देखो ग्रीन के नीचे रेड, इसका मतलब वीक में भी ये सेल बना हुआ है। उसके बाद डेली देखें, डेली में देख रहे हो लास्ट ग्रीन ये वाली थी, उसके बाद ये ग्रीन के नीचे रेड बन चुकी है, तो डेली सेल है। उसके बाद ये ग्रीन बनने की कोशिश हुई है और बनी है, लेकिन ये रेड के ऊपर नहीं गई, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, ये बुलिश साइन दिया नहीं मुझे, क्लियर है? तो ये दोबारा से सेलिंग सिग्नल है, तो डे पे भी सेल है, ठीक है? तो मेरे तीनों डायरेक्शनल सेल हैं। अब मैं इसको इंट्राडे पे देखता हूं। ये 15 मिनट का चार्ट है, यहां से मार्केट शुरू हुई है। ये देखो ये 9:15, ये 9:30 की कैंडल और ये कैंडल अभी बन रही है, ठीक है? अभी तक का जो 45 मिनट का ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, बियरिश के बाद ये ग्रीन बनी लेकिन ग्रीन ऊपर नहीं गई, उसके बाद ये कैंडल बनी रही है अभी, और मुझे ट्रेड कब लेना है, इस ट्रेंड के, इस कैंडल के कंप्लीट होने के बाद। अभी कैंडल बन रही है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अब मुझे ये ट्रेड लेना है 10 बजे। 9:49 हो चुके हैं, 10 मिनट का 11 मिनट है मेरे पास। 11 मिनट में अगर ये कैंडल जो अभी रेड बुलिश बना हुआ है, अगर इस पॉइंट के ऊपर ये ग्रीन कैंडल नहीं कंप्लीट हो जाती है तो ये बुलिश है, नहीं तो ये बियरिश है। अभी के लिए बियरिश ट्रेंड है जो मेरा, अब इसका मतलब इंट्राडे ट्रेंड इज बियरिश, मंथली, वीकली, डेली इंट्राडे सारे बियरिश हैं। तो मेरा यूडीटीएस क्या कहता है, यूनिट डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कहता है कि अगर मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे ट्रेंड बियरिश है तो आप ट्रेंड लेंगे, ठीक है? लेकिन जब मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस, अब मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा तो मेरा रेजिस्टेंस कहां पर है, डेली का देखना सर, डेली पे चार्ट पे जाओ, डेली का ये हमारा बुलिश बनेगा जब पुरानी वाली रेड के ऊपर ग्रीन आ जाएगा, ठीक है? तो पुरानी रेड ये वाली है, इसका वो देखना सर, ओपन 257 रुपए 90 पैसे सर, आज खोला है क्या होता है इसका मतलब, गैप अप ऊपर खुला है तो 257 रुपए 90 पैसे के ऊपर हमको इसका ट्रेड नहीं लेना है। अच्छा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है इसका, हमको इसको बेचना है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, अभी ये ऊपर खुल के नीचे आया हुआ है, क्लियर है? तो ये वाला जो पॉइंट है 257.90 है, और अभी रेट क्या चल रहा है देखो, 15 मिनट का तो अभी चल रहा है 58.65, तो मेरी अब क्या कहते हैं कि 257.90 के नीचे मुझे बेचना है, तो मैं वेट करूंगा 257.90, एक रुपया मतलब अभी 58.60 चल रहा है, 70 पैसे नीचे जाएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड में एंटर करूंगा बेयरिश ट्रेड में। सर वो ग्रीन कैंडल का रेजिस्टेंस नहीं लिया, कौन से वाले वाली जो डेली पे ग्रीन वाली है, ग्रीन का क्यों लेंगे, रेड का लेंगे ना, क्योंकि बेयरिश चल रहा है। अगर कोई चीज बेयरिश चल रही है तो रेजिस्टेंस लोगे, अगर कोई चीज बुलिश चल रही है तो उसका सपोर्ट लोगे, ठीक है? बेयरिश चल रही है, अगर वो पुराने वाले कैंडल को, ये डे का है ना, ये डे का है, पिछले डे का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मेरा वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब मुझे इसमें ट्रेड, हम एक काम करते हैं अभी के हिसाब से हम इसको नोट करते हैं, इसका अब प्रशांत जी इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो। हम विप्रो के अंदर सेल ट्रेड ले सकते हैं, तो हम विप्रो को सेल करेंगे 257.90 रुपए के नीचे, ठीक है? और इसका हमारा पहला टारगेट क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं, ओपन लिखो 257.05 रुपए
क्लोज 257.60, हाई 259.95 और क्लोज 256.15, लोड 256.15, 257.05.05 और हाई है 259.95, लो है 256.15 और क्लोज है 257.60 ठीक है। अभी रेट क्या चल रहा है? 57.90 हम नीचे हमको बेचना है इसका, उसके बाद जो वो आएगा 55.85 और 54.10 85 इसका पहला सपोर्ट है ये, क्लियर है। अगर मैं सेल करता हूं यहां पर तो मुझे 55.85 पहला सपोर्ट मिल सकता है, वहां मैं अपनी पोजीशन को कवर करूंगा, और दूसरा सपोर्ट मुझे मिलेगा 254.10। सर मिड पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं? कौन सा? नहीं, मिड पॉइंट को नहीं ले रहे हम, मेजर सपोर्ट ले रहे हम, मेजर क्योंकि हम सेल करके चलेंगे तो मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर मैं बाय करके चलूंगा तब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मंथली सेल है, ठीक है, मंथली सेल है, वीकली आप लोग बताओ सेल है? यस सर, ग्रीन के नीचे रेड दिख रही है। डेली भी सेल है, ठीक है। अब इंट्राडे आ जाते हैं, ये इंट्राडे यहां से शुरू हुआ, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, सेल है कि बाय है? सेल है। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, देखो ना लाल इतनी बड़ी दिख रही है, ऑब्वियसली जो बेयर्स हैं वो ताकतवर है, तो इंट्राडे सेल हो गया, तो हम इसको अगर सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये वाला, तो हम इसको टाटा मोटर्स को भी सेल करेंगे एट द रेट, क्या रेट चल रहा है अभी? 278.278 में सेल किया हमने, 278 में सेल किया, और इसका वो देखें सर, सेल करेंगे तो कवर कहाँ करेंगे? सर डेली का देखना है या फिर जैसे हम लोग जो रेजिस्टेंस रखेंगे अपनी, तो हम लोग 15 मिनट चार्ट का जो फर्स्ट कैंडल है उसका ओपन या डेली वाले का ओपन? जो भी अभी तक का ट्रेंड है उसका अभी दोबारा देखते हैं, 15 मिनट पे जाना सर। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है 78.50, ये हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 278.50 हमने बेचा अपना है 78 में, ठीक है। सपोर्ट क्या है? ये रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं पाइवेट पॉइंट कैलकुलेटर से, गूगल पे डालेंगे, उसमें ओपन हाई क्लोज डालिए और आपको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ जाएंगे। ये हमने यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंदर ये हमने एक अभी नई एडिशन करी है, ताकि आप लोग जो कहते हो कि कई बार कि हमको सपोर्ट और टारगेट नहीं पता लगते हैं, तो उससे ये काफी हेल्प मिल जाएगी। 287.90 ओपन, 287.90 हाई, 275.10 का लो, ओपन हाई सेम है, लो है 275.10, लो 275.10 और क्लोज 276.85 डालो सर, बोला नहीं सर, ओपन है 287.90, हाई भी वही है, हाई सेम, लो 275.10, ओके, और क्लोज है 276.85। हमने स्टॉक को सेल किया है, ठीक है, क्या क्या बात वो बन रहे हैं 272 और 267, अभी क्या रेट चल रहा है देखो सर, 277.80 है ना, वापस जाना सर उसमें, तो हमारा ये बन रहा है 72 का और 67 का, और आज का देखना सर, आज वाले डालो डेली आज का, ये इसमें क्या बन रहा है 78.70, कोई बात नहीं वो सीख लेते हैं, प्राइवेट पॉइंट से जाना सर 272 और हम 272 ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमने सपोर्ट नोट कर लिया, स्टॉप लॉस नोट कर लिया, विप्रो का हमने स्टॉप लॉस नहीं देखा था, अच्छा विप्रो तो अभी हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, लेकिन अगर एग्जीक्यूट होगा तो स्टॉप लॉस क्या है एक बार देख लो, फिर वापस आना पड़ेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है, देखना सर क्या है, यहां से कितना शुरू हुआ ना ऊपर 259.20 और हमने बेचा कहां था, मतलब बेचना है 257.90, क्लियर है, और उस समय रेट क्या चल रहा था, अब आया ये 58, उस समय चल रहा था 58.70, 200 यहां पर रेट क्या चल रहा था 258.70 का रेट चल रहा था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड डीआरसी मंथली बेरिश,
डेली और वीकली, वीकली पे बेरिश है, डेली डेली क्या है बेरिश है कि नहीं है? है, देखो कोई भी ग्रीन रेड के ऊपर नहीं गई, ये रेड वाली ना इसके ऊपर नहीं गई, तो बेरिश ही है। तो बेरिश 15 मिनट का ट्रेड बहुत कम हो रहे हैं, इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, देख रहे हैं? तो ऐसे स्टॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, इंट्राडे ट्रेड के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट ब्रिटानिया, ब्रिटानिया अब क्या बुलिश शुरू हो गए, मंथली क्लियर बुलिश, ठीक है, वीकली, वीकली भी बुलिश है ना, क्योंकि ये रेड इसके नीचे नहीं जा पाई, नीचे चली जाती तो मैं बेरिश कर देता हूं, बुलिश। चलो डेली, डेली भी बुलिश, देख रहे रेड के ऊपर ग्रीन, इंट्राडे, इंट्राडे पहली कैंडल दूसरी तीसरी इसने हमको बुलिश सिग्नल दे दिया, तो लेना है, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा मॉडल कहता है हमको लेना है। तो यहां पर क्या रेट था सर, तीसरी कैंडल पे, तीसरी तीसरी कैंडल पे लेना ना सर, तीसरी कैंडल का क्लोज। अब 10:03 हो चुके हैं, ट्रेड हमारे, ये होमवर्क हमको पहले करना था जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पहले का हमारा ये काम टाइम बच जाता जो हम अभी कर रहे हैं। तो ये हम 10:10 का ओपन देखो सर, क्लोज, ये क्लोज क्या है, 61.14 रुपए 80 पैसे। तो हमको ट्रेड लेना है यहाँ, लेना है ना, तो ये हमने लिया 61.14 रुपए 80 पैसे में। ये हमने दोनों सेल के ट्रेड लिए, ये हमने बाय का ट्रेड लिया ब्रिटानिया, ये बुलिश लग रहा है हमको। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा इंट्राडे का, यहां से शुरू हुआ ये ओपन के 6070, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैंने इसको लिया है तो मेरा टारगेट भी होना चाहिए सर, आएंगे एक बार, हाँ लिखा मैं जरूर, देखो डेट पे 5995 ओपन, 6081 हाई, 5963 लो, 6050 क्लोज। सब ओपन है 5995 और हाई है 6081 0.80 और लो है 5963 और क्लोज है 6050.10. क्या रेट चल रहा है अभी, अभी रेट चल रहा है 6123, ठीक है। अभी वापस जाना, पहला 6150 और 6270 दो है हमारे पास पॉइंट, तो 6150 बहुत क्लोज है, हम 6270 रखते हैं, बड़ा शेयर है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार 6150 और 6270, ये हमारे दो रेजिस्टेंस हमको नजर आए, ठीक है। चलें आगे, ये क्या है, मारुति, मारुति मंथली बुलिश है, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो रेड के ऊपर ग्रीन, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, इंट्राडे पहली दूसरी तीसरी, तीसरी कैंडल बुलिश हो रही है, इंट्राडे ट्रेंड बुलिश, ठीक है। यूडीटीएस ये कहता है पहले 45 मिनट ट्रेड नहीं लेना, लेकिन ये नहीं कहता कि 45 मिनट के बाद ट्रेड लेना ही है, उसके बाद तो कभी भी ले सकते हो, 10 बजे 10:30 11 बजे 1 बजे 2 बजे 2:30 कभी भी ट्रेड लो, लेकिन अभी मैं ट्रेंड यहां तक देख रहा हूं, फिर मैं ट्रेंड वहां तक देख रहा हूं, अभी तक का ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है वो बुलिश है, और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहां से, तो ये मेरा स्टॉप लॉस, प्रशांत स्टॉप लॉस देखना, स्टॉप लॉस है 8914 का मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने बुलिश ट्रेड लिया मारुति के अंदर, ठीक है, बाय लिया, कितने रुपए में लिया, क्या क्लोज हुआ यहां 8996 में, क्लियर है सर, 8996 के ऊपर हम ट्रेड लेंगे, हाँ 8996 के अराउंड आप ट्रेड ले लो, 2 रुपए कम ले लो, 2 रुपए ज्यादा ले लो, मतलब यहां आपको इस कैंडल के बीच में ट्रेड ले लेना था। अब अगर मुझे पता है कि ये कैंडल ये वाला पॉइंट 10 बजे तक नहीं कटने वाला, तो 2-4-5 मिनट पहले भी ले सकते हो, ये आपके कॉन्फिडेंस या और आपके तजुर्बे और आपके एक्सपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप 10 बजे तक पूरा वेट कर रहे हो या आप 9:55 या 9:50 पे भी ट्रेड ले, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं 10 बजे ये इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा, अगर गया तो फिर मैं इस ट्रेड से कुछ कर दूंगा,
ठीक है, वो रिस्क आप अपने लेवल पे ले रहे हो। ठीक है, हमने स्टॉप लॉस नोट कर लिया, बाय भी ले लिया, हमें उसका एक बार टारगेट देख लेते हैं। सर ओपन है 8790, 8790 ओके, हाई है 8985, ओके, लो है 8750, 8750 ओके, और क्लोज है 8931.35। बाइंग ट्रेड लिया हमने 8996 में, 9027 ही है ना? यस, एक है 9027, फिर है 9123, 9027 और 9123, यही है ना? ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, 100-100 पॉइंट का फर्क है। ठीक, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश। ठीक, इंट्राडे 15 मिनट, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, क्या कह रही है? दूसरा बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है थर्ड वाली कैंडल। अरे वो छोड़ो यार, ये तीन कैंडल क्या कह रही है? एक बंच बेयरिश, खत्म कहानी। मंथली, वीकली, डेली बुलिश था, इंट्राडे ट्रेंड बेयरिश है, ट्रेंड लेना है नहीं, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल नहीं है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ऑल द ट्रेंड शुड बी इन सेम डायरेक्शन। ठीक, छोड़ दो ट्रेंड को। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, इतने सारे ट्रेंड क्यों ले रहा हूं? किसी ने सोचा? एक ट्रेडर का काम होता है वो अपने बंच ऑफ ट्रेड्स को ग्रॉस प्रॉफिटेबल बनाए। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं एक ट्रेड लूं और वो प्रॉफिटेबल हो जाए। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। मैंने अपने मॉडल से अपनी प्रोबेबिलिटीज को ही हाई किया है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि 10 में से मैं 7-8 ट्रेड ठीक करूं, लेकिन 2 या 3 तो गलत हो सकते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट होंगे ना। तो अगर मैंने एक ही ट्रेड लिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो इसीलिए मैं ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं। और मेरा मेन एम क्या होता है कि मैं एक ट्रेड से नहीं कमाना, मुझे जो कमाना है बंच ऑफ ट्रेड से कमा रहा हूं। बंच ऑफ ट्रेड में नेट प्रॉफिट में मेरी जाएगी बैलेंस शीट, लेकिन अगर मैं एक या दो ट्रेड के ऊपर सारा पैसा लगा दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटीज नहीं बनेगी। मैं इसीलिए बहुत सारे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं ताकि एक ट्रेडर को यह पता हो कि मुझे बंच ऑफ ट्रेड पे काम करना है। मुझे एक ट्रेड पे 1,00,000 रुपया पड़ा है, ये नहीं कि 1,00,000 रुपये एक पे लगा दिया और बैठ गए शाम तक। मार्केट, यहां थोड़ी सी ज्ञान दे देता हूं, बहुत जरूरी है इसमें। आप ये समझो आप मार्केट से लड़ने नहीं बैठे हो, आप मार्केट से लड़ोगे तो हार जाओगे। मेरे को अपना 30 साल का एक्सपीरियंस है। आपके पास फायदा यह है कि आप से मैं वो 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, या दूसरा तरीका क्या है, आप भी 30 साल तक रगड़ो, ठीक है, और आपके आपको भी वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो चीज अभी चाहिए तो वो मैं आपसे शेयर ही कर सकता हूं, वो आपसे मेरी शेयर ही होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम जब मार्केट से लड़ नहीं सकते, हम मार्केट बहुत बड़ा एक वो है, यहां पर जो हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा बुल है और एक बड़ा बियर है। हम केवल जो भी ताकतवर है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे, मैंने ये नहीं बोला उसके आगे खड़े होना है। आप बुल या बियर, जो ताकतवर है उसके पीछे खड़े हो जाओ, आपको अपना हिस्सा अपने, वो कमाएगा 100 करोड़ तो तुम्हें अपने 1,000-2,000-5,000 रुपए मिल जाए। अगर बियर बड़ा है तो बियर के पास खड़े हो जाओ, आपके चपत कम लगेंगे। गलत डायरेक्शन में खड़े होगे तो बहुत पिटोगे। ठीक है, तो हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें जो मार्केट की बड़ी पावरफुल फिगर्स हैं उनके पीछे खड़े होके अपना काम करना है चुपके से। ठीक है, जो हम ये मंथली, वीकली, डेली की बात कर रहे हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं मार्केट में कि पर्टिकुलर कौन से स्टॉक में कौन बड़ा है, बुल बड़ा है या बियर बड़ा है। यहां विप्रो में बियर बड़ा था, हम बियर के पीछे खड़े हो गए, हमने अपने शेयर बेचे और प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। चांसेस हैं कि प्रॉफिट आएगा, अगर नहीं आया तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, चले जाएंगे 2,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, बेरिश,
आप अगर यहां से भी देखो ये वाली आज की इसको छोड़ भी दो तो भी बेरिश इंट्राडे इंट्राडे एक दो तीन ठीक है यहां पर ट्रेड लूंगा क्या रेट है क्या रेट है सर क्लोज इसका क्लोज थर्ड का इसके एक दो तीन ये किसका क्लोज लोगे ना 91.05 बैंक ऑफ इंडिया को मैंने अब बेचा है क्या रेट में बेचा है 91.05 में स्टॉप लॉस क्या होगा इसका ओपन 92.30 क्लियर शेयर बिक गया स्टॉप लॉस में लिख दिया एक बार वो देख लेते हैं सपोर्ट क्या है नोट करो 91.35 ओपन 91.35 ओपन हाई है 93.15 लो है 90.65 और क्लोज है 92.20 क्या बन रहा है आप लोग बता दो सपोर्ट क्या क्या बन रहे हैं 90 और 89 सर हमारा टारगेट है 93 91 पॉइंट पे तो बेच रही है तो एक तो ये है 91 फिर है 89.53 है ना तो 89.53 लिखते हैं हम ये हमारा पहला सपोर्ट है ठीक है हमने सपोर्ट को नोट कर लिया आगे चलते हैं सर बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मंथली मंथली बेयरिश वीकली बेयरिश डेली बेयरिश इंट्राडे पहली कैंडल दूसरी तीसरी सेल तीसरी कैंडल करीब 103.65 में सेल होएगा या अब आप ये देखो यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये पहली कैंडल देख रहे हो आप दूसरी कैंडल देख रहे हो तीसरी कैंडल जब ये बन रही है तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये पॉइंट अब इससे बहुत दूर है ठीक है देखो एक तो हम मॉडल बनाते हैं मॉडल इसलिए बनाते हैं कि ये एक मशीन है ह्यूमन बीइंग गलती कर सकता है मशीन गलती नहीं करती ठीक है ये उन लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जो जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो और आपको समझ में आ जाता है आपको उसका बेसिक समझ में आ जाता है तो आपको पता है कि 10 बजे तक अगर ये वाला पॉइंट सर ये देखना ये क्या रेट है इस समय ये करीब 103 रुपए का भाव है और ये क्या प्राइस है ये करीब 106 रुपए के आसपास का प्राइस है तो क्या जब यहां पर ये ट्रेड थे ये करीब 104 रुपए के रेट हैं तो क्या ये हमको लग रहा है कि अगले 15 मिनट में ये इतना मूव करेगा कि ये हो जाएगा यहां हम अपना डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते मैं चाहूं तो यहां पर भी सेल कर सकता हूं ये सोचते हुए कि ये ग्रीन कैंडल अब इसको क्रॉस अभी नहीं कर पाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है 2-3-4-5 मिनट हम पहले ट्रेड ले सकते हैं ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है अगर आपको क्लियरली लग रहा है कि अब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर ले जाने वाला नहीं है क्लियर है तो मान लो ये हमने 104 रुपए के आसपास हमने कहीं ट्रेड क्या लिया क्या रेट है 104 और 103.65 के बीच में हमने इसको ट्रेड लिया ठीक है हटाना सर अभी हमारा एक मिनट क्या था बेल बेल में हमने सेल ट्रेड लिया करीब 104 रुपए में और स्टॉप लॉस क्या है स्टॉप लॉस बताना सर 105.95 रुपए और अब इसका वो कैलकुलेट करो 108.70 109.20 105.3 क्या बन रहा है 104 में बेचा है हमने क्या क्या लेवल बन रहे हैं 103 का बन रहा है 2.93 रुपए ठीक है और एक बन रहा है 99 रुपए का तो 103 और 99 ये दो पॉइंट हम नोट कर देते हैं क्लियर है चलो नेक्स्ट अभी तक हम 6 ट्रेड कर चुके हैं नहीं हमने 7 करे थे एक में ट्रेड नहीं बना था राइट तो हमने 7 ट्रेड लिए हैं जिसमें से 6 ट्रेड हमारे बन चुके हैं और एक ट्रेड हमारा बना ही नहीं था ठीक है नेक्स्ट डिश टीवी मंथली बेयरिश वीकली बुलिश चेंज हो गया ट्रेड लेंगे नहीं तो हमने टोटल अभी तक 8 ट्रेड देखे 8 में से 6 ट्रेड बने 2 ट्रेड नहीं बने ठीक है जहां हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जहां हमारा मॉडल कह रहा है कि ट्रेड नहीं बन सकता चांसेस कम है तो हमको ट्रेड नहीं देगा नेक्स्ट टाटा ग्लोबल ब्रेवरीज मंथली क्या है बुलिश
वीकली बेयरिश है, फिर ट्रेड जीरो। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करिए आपने, इसका मंथली दिखाना सर। हमने ये ट्रेड लिखा था investing.com के हिसाब से, टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस हमने क्या लिखा था सर, बेयरिश में लिखा था, बुलिश। हमने investing.com मंथली पे इसको बुलिश बोल रहा है, हम मंथली पे क्या कह रहे हैं, हम मंथली पे बुलिश बोल रहे हैं, वो वीकली पे भी बुलिश बोल रहा था, हम वीकली पे क्या बोल रहे हैं, हम वीकली पे बेयरिश बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में बोला investing.com और हम केवल investing.com से एक हेल्प ले रहे हैं, हम उनके उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं कि उन्होंने जो बोला हम वही कर रहे हैं, नहीं, हम चल अपने मॉडल पे रहे, हम केवल वहां से एक अपनी हेल्प के लिए स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा फिल्टर ना रखना पड़े। नेक्स्ट, बर्जर पेंट्स मंथली, डेली, डेली क्या है, बेरिश, बेरिश, ठीक है, 15 मिनट, बुलिश, बेरिश, बुलिश, क्या है यहाँ पर, फर्स्ट 45 मिनट्स में क्या ट्रेंड है सर, उसने उसको लो को नहीं तोड़ा, देखो ग्रीन, ग्रीन के नीचे रेड, ग्रीन के नीचे रेड का मतलब बेरिश स्टार्ट। ठीक, अब ये ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन इसके ऊपर नहीं गई तो स्टिल बेरिश, तो ट्रेंड हमारा बेरिश, यहां पर हम ट्रेड क्या लेंगे, बेरिश। तीसरी कैंडल का देखो सर ओपन क्या है, क्लोज 286.85 में मैंने बेचना है इसको, क्या नाम है शेयर का, बर्जर पेंट्स, माइनस क्या रेट में बेचा सर, 286.85 में मैंने बेचा बर्जर, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, फर्स्ट कैंडल का ओपन, फर्स्ट जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ गिरने का, बिगेस्ट ट्रेंड वो ये, अब हम इसको नहीं ले रहे क्योंकि सेलिंग ट्रेड है, यहां से गिरना स्टार्ट हुआ तो हम इसको ओपन लेंगे, ओपन क्या है ये 287.70। ठीक है, अब हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। एक चीज पूछ रहे थे, इस चार्ट में जैसे हम लोगों का फॉल्स स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हमारा ट्रेड हमारे फेवर में गया, अभी लाइव हम लोग देखते हैं कहां पर, थोड़ा बताओ, जो फोर्थ कैंडल है, हाँ फोर्थ कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया 287.80 है उसका, कहां गया, कहां किया हमारा स्टॉप लॉस हिट, मेरे को तो अभी तक नहीं दिख रहा, कैसे दिख रहा सर 287.80 शैडोज में गया बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूडीटीएस के अंदर मैंने अपनी कभी क्लास में शैडोज का नाम ही नहीं लिया, शॉर्ट शैडोज को कट ऑफ कर दो, मैं बॉडी की बात करता हूं और बॉडी पे ही हमको काम करने है। शैडोज आपको धोखा देने के लिए हैं, ये वो लोग हैं जिनको पता होता है, जो एल्गो ट्रेडिंग में लोग काम करते हैं उनके स्टॉप लॉस कटने के लिए ये शैडोज बनती है, आपको शैडो को हाथ नहीं लगाना, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा मैं मान लूंगा जब कोई भी ग्रीन कैंडल इस पॉइंट के ऊपर 287.70 के ऊपर, ऐसे के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है यहाँ पर, अगर आपको लगता है पहले तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, हाँ ये ऊपर जो गया है ना ये शैडो को हमें नोट नहीं करते क्योंकि शैडो तो मारेगी जब तक ग्रीन कैंडल की बॉडी नहीं बन जाती, हमें बॉडी देखनी है, शैडो नो शैडो, शैडो का नाम नहीं लेना, क्लियर। अच्छा एक चीज और क्लियर कर रहा हूं कि हमने इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये जो हमने पाइवेट पॉइंट्स डाले, एक बार मैं प्रशांत जी को बोलूंगा एक बार दोबारा से, एक बार वो एक बार सबको दोबारा बता दो कैसे लगाना है, ये हमको खोलना कहां से, शुरू से बिल्कुल गूगल से, आप गूगल पे जाएंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, पाइवेट पॉइंट कैलकुलेटर आप डाल देंगे, पाइवेट पॉइंट कैलकुलेटर में पाइवेट पॉइंट्स कैलकुलेटर, इसको आप क्लिक करेंगे, ओपन हाई लो और क्लोज, इसमें आप प्रीवियस डे का ओपन हाई क्लोज वो डाल दीजिए और आपको एक यहां पर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऊपर के दिखने शुरू हो जाएंगे, S1, S2, S3 और R1, R2, R3। ठीक है, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम यूज कर सकते हैं अपने टारगेट्स के लिए, क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, 281, 286.90, 281, 286.90, 281, 284.95, 284.95, 284.95, 285.95, 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
एक तो ये 8167 ठीक है, और हमने सेल कहां करा 86 समथिंग है, तो हम इसी को रखते हैं, बहुत दूर है। एक इसका पाइवट पॉइंट है 84.28 रुपए का, ये इसका पीपी है जिसको हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं, वो है 84.28 का, नोट कर लेते हैं 284.28 रुपए 28 पैसे, और दूसरा क्या है 281.67। ये जो लिख रहे हैं, जो भी पहला टारगेट आएगा उसमें मुझे 50% पोजीशन अगर मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मैं 50% पोजीशन को वेट कर सकता हूं, 50% को वेट कर सकता हूं अगले टारगेट के लिए, इंट्राडे में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पाइवट पॉइंट समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो, आप अपने जो भी आपने प्राइस लिया है जिसके ऊपर भी आपने काम किया है आप 50% पोजीशन वेट कर सकते हो, आपको 1% मिल जाए बैलेंस की 50% और 1% मिल जाए तो बैलेंस की 50% वेट करो। लेकिन ये पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर आपको थोड़ा सा टारगेट्स लगाने के लिए हेल्प करता है, तो जब भी टारगेट आने वाला है, मान लो 288 का टारगेट है तो आपको लग रहा है 287 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और आपने 84 में लिया हुआ, तो वहां से एक बार 50% पोजीशन पुट कर दो, प्रॉफिट आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बल्कि 9 ट्रेड ले चुके हैं ना। क्या किया हमने अभी तक, हमने 9 ट्रेड ढूंढे थे जिसमें से 6 ट्रेड हमने ले लिए, नहीं 7 ले लिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, 7 में हमारा ट्रेड बन गया और 2 में हमारे ट्रेड नहीं बने, ऐसे हुए थे यही था ना, टोटल 9 ट्रेड्स 7 नो ट्रेड्स 2 ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉलगेट फॉर्मूला मंथली, हां जी बुलिश, चलो वीकली, वीकली में क्या हुई बेयरिश, छोड़ दे ट्रेड छोड़ दो, तो हमने 10 ट्रेड ढूंढे 7 मिले 3 में ट्रेड नहीं मिला। नेक्स्ट उत्तम गालवा मंथली वीक, वीकली वीक, डेली डेली क्या है बुलिश, देखो रेड के ऊपर ये ग्रीन बन गई है ठीक है छोड़ दे छोड़ दो। चलो ज्वारी ग्लोबल मंथली, मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, डेली बेरिश, 15 मिनट बेरिश, इसमें ट्रेड ही नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ऐसे ही है ना छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन, ना ना सी ओ पी करो ना, सी ओ आर, मंथली वीक है, वीकली वीकली भी वीक है, डेली डेली भी वीक है, 15 मिनट ट्रेड नहीं मिल रहा। तो क्या हो रहा है कि जब हम बहुत छोटी कंपनीज ले रहे हैं तो उसके अंदर हमको ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम या तो बहुत कम है, 25 रुपए का शेयर है, इंट्राडे में काम नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट बेसिकली ये दिखाने के लिए कर रहा हूं कि देखो ये मॉडल आपको वहां भी रोक रहा है कि जो बहुत कम लिक्विड शेयर्स हैं या जो बहुत छोटे शेयर्स हैं वहां ये आपको बोलता है कि आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मशीन गलती नहीं करेगी, तो ये मॉडल एक मशीन है ठीक है, वो आपको पहले ही बता रही है कि नहीं इसमें ट्रेड मत करो। कई लोग फिर भी लग जाते हैं, 25 रुपए के शेयर में ले 10,000 शेयर, 25,000 शेयर, 50,000 शेयर, 5 पैसे के ऊपर ट्रेड करने के लिए, कोई सेंस नहीं। वहां आप किसके लिए काम करते हो, अपने लिए काम नहीं करते हो, वहां ब्रोकर के लिए काम करते हो, ब्रोकर कमाता है ठीक है। तो हमें किसके लिए काम करना है, हमें अपने लिए काम करना है, हमें 10 ट्रेड नहीं करने, हमें 2 ट्रेड करने हैं, लेकिन ऐसे ट्रेड करने जो जिसके ऊपर मेरा 100% कॉन्फिडेंस हो। मैंने 12 ट्रेड निकाले, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, रीजन है, मैंने 12 ट्रेड निकाले तो मैं 12 पे ट्रेड नहीं कर रहा, मेरा इसके 7 पे कॉन्फिडेंस था, मैंने 7 ट्रेड करे, 5 को छोड़ दिया ठीक है। नेक्स्ट डीबी रियलिटी, डीबी रियलिटीज मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, डेली बेरिश, 15 मिनट लो, ये देखने पहली कैंडल, ये 9 बजे वाली है, 9 बजे वाली कैंडल कहाँ है, 9:30 ये है 9 बजे वाली कैंडल ठीक है। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो पहला दूसरा तीसरा ये तीन क्या बोल रही है बेरिश, तो मैं यहां पर सेल करूंगा, सर यहां देखो क्या रेट है 38 रुपए 60 पैसे,
तो ये मैं सेल कर ही देता हूं, बहुत देर हो गई। डीपी रियलिटी स्टॉप लॉस इसका होगा ये वाला जो कैंडल है, अब मैं इसको नहीं ले रहा हूं, देख रहे हो, मैं अब इसको नहीं ले रहा हूं पहली वाली को, मैं क्योंकि बिगेस्ट ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ उसको लेता हूं, ये इसको नहीं ले रहा हूं मैं, इसको ले रहा हूं क्योंकि मेरा बिगेस्ट ट्रेंड यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसका ओपन क्या है, 38.80 रुपए, और मैंने स्टॉक बेचा के रेट में 38.60 रुपए में 20 पैसे का स्टॉप लॉस, देख रहे हो, ठीक। देखते हैं अब इसका भी निकालो, 39.30 देखो, 39.20, 40.40, 38.25 और 38.15 रुपए। क्या क्या बन रहा है बच्चों बताओ, ये पीपी है इसका, पहला सपोर्ट 37.47 का बन रहा है, ठीक है, 37.47 इसी को लिख लेते हैं, मजा मजा कर, ठीक है। तो अब हमारे कितने ट्रेड हो गए, 13 में से 8 ट्रेड हमारे बन गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हमने ये क्लास कितने बजे शुरू करी थी, 9:35-40 के आ रहा हूं हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है, जबकि हमने होमवर्क भी उसके बाद ही किया, और अभी क्या टाइम हुआ है, 10:40 हुए हैं। मैं लिखता हूं यहां क्योंकि ये ना मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि हम इतनी जल्दी इतने सारे स्टॉक्स कैसे करेंगे। तो हमने 13 स्टॉक्स एनालाइज करके होमवर्क करके 10:40 तक हमने ट्रेड्स डालते विद स्टॉप लॉस विद टारगेट्स, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने केवल फोकस्ड वे में काम किया, मैंने बोला मेडिटेशन है, सब कुछ भूल जाओ जब ट्रेड कर रहे हो, जो ट्रेड करो वो वैसा करो कि लगे यार हाँ यार ये मेरा कॉन्फिडेंट ट्रेड है, गलत हो जाए स्टॉप लॉस कट गया कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो बने करने के लिए, कट जाएगा कट जाएगा, तो इस चीज से डरना नहीं है। और कुछ बचे सर स्टॉक्स, लक्स बुलिश बुलिश है, चलो वीकली वीकली भी बुलिश, डेली डेली भी बुलिश, 15 मिनट बुलिश है, क्लियर। देखो देखो पहली कैंडल ये पहली है ना सर, ये दूसरी और ये तीसरी, अगर मैं यहां से देखूं तो ये हमारे को बुलिश ट्रेड दे रही है, और इसका स्टॉप लॉस कहां होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, इसका होगा नहीं, यहां से स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड, तो बेटा यहां से स्टार्ट हो गया था, इसका ओपन क्या है देखो, 1910 यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये भी तो बुलिश ही थी, ये बेरिश थोड़ी हुई, और फिर इसका ओपन क्या है सर, तीसरी वाली का ओपन 1910.50 रुपए ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैंने क्या बोला, आप लोग ऑलमोस्ट पे नहीं, ये मशीन है, गलती 50 पैसे की भी नहीं करनी, तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा कि ये होगा 1910 है, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा क्योंकि मेरा ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ, अभी तो ये 50 पैसे का फर्क है, अगर ये यहां और 1 रुपए का फर्क होता तब आप गलती कर जाते ना, है ना। तो स्टॉक ये ट्रेंड इस 45 मिनट का जहां से स्टार्ट हुआ है, इस 45 मिनट का ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से ना कि यहां से जब होता जब ये लाल कैंडल अगर इसके नीचे निकल जाती तो मैं कहता कि ये तो ट्रेंड खत्म हो गया, अब जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो यहां से, तब मैं स्टॉप लॉस इसको रखूंगा, लेकिन अभी नहीं रखूंगा, मेरा अब स्टॉप लॉस यही है, ठीक है। तो अब हम एक मिनट रुको, हमने यहां पर ट्रेड लेना है, ठीक है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1910 रुपए, तो हम देखते हैं कि यहां पर क्या ट्रेड है, देखो 1932, उसके बाद अब ये लगातार यहां से नीचे आ रहा है, अभी क्या है यहां पर क्लोज, ये 1913 रुपए हो चुका है, ठीक है। अब आप समझो, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमने 10 बजे ट्रेड नहीं लिया तो क्या हम ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं। अब आपने मान लो, अब हम उसी पे आते हैं, हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, अब हम यहाँ बैठे हैं, तो अब हमें क्या करना है, मुझे साफ पता है कि इंट्राडे ट्रेंड वीकली मंथली सब बुलिश है, ये ट्रेंड में बुलिश है, तो अब लास्ट में मुझे ये करना है कि कोई भी रेड कैंडल के ऊपर मेरी एक ग्रीन कैंडल बन गई तो मुझे वो फाइनल सिग्नल देगा कि आप एंटर करो,
तो यहां पर मैं चाहूं तो ट्रेड ले सकता हूं, लेकिन मैं अगर पर्सनली बोलूंगा तो मैं अभी ले लूंगा, मैं इस कैंडल के ऊपर ग्रीन जाते मिले, यानी कि ये कैंडल क्या है, इसका ओपन है 1921 रुपए, तो अभी रेट चल रहा है 1914, तो 1914 में ना लेके 1921 में लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर अभी करेंगे, अब देखते हैं इसको, अभी हम एक बार नोट कर लेते हैं, मान लो हमने ले भी लिया 1912 में और स्टॉप लॉस है हमारा 1910 में, क्या नाम है स्टॉक का, 1912 बाइंग में लिया लक्स और स्टॉप लॉस क्या है 1910 और इसका वो निकालो 1930, 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
लगेगा कि हमने क्या कर रखा है, हमारे किसके स्टॉप लॉस कटेंगे, हमारे किसके स्टॉप टारगेट हिट होंगे। ठीक है, आप लोग अब अपने सीट्स पे जा सकते हो, अपने इन स्टॉक्स को आप लगाओ, स्टडी करो। अब हम थोड़ी देर के बाद या अप्रोक्सीमेटली 3:30 बजे हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमने क्या किया। यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th Saturday को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।